ऑस्कर में भेजे जाने वाली भारतीय फिल्म की घोषणा हो गई है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऑस्कर में भेजने के लिए एक फिल्म किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारे देश से अभी तक मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान तीन ऐसी फिल्में थी जो ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह बना पाई, जबकि 1957 से लेकर आज तक 55 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए भारत से भेजा गया, जो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना तो दूर, नॉमिनेशंस में भी जगह नहीं बना पाई। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की फिल्मों पर हमें दाव खेलना चाहिए या किस तरह की फिल्मों को हम अब तक ऑस्कर में भेजते आए हैं। अगर पूरी लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर उन फिल्मों को ऑस्कर के लिए प्रेफरेंस मिलती है जो कमर्शियल नहीं है, यानी ऐसी धारणा है कि आर्ट फिल्म से ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं, उनमें डायरेक्शन, टेक्नीशियंस और एक्टर्स गहराई के साथ काम करते हैं और एक मैसेज देते हैं। इस तरह की फिल्मों को देखने के लिए इंसान को फिल्म प्रेमी तो होना ही चाहिए, बल्कि पेशेंस भी रखना पड़ता है। और एक सर्वे के अनुसार ये भी पता चला है कि दुनिया में समझदार लोगों की संख्या बहुत कम है जो किसी चीज की डीपनेस में जाकर उसे देखते हैं। मैक्सिमम जो दर्शक होते हैं वो फिल्म देखने के लिए दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहते, इसलिए YouTube वीडियो तक में आप देख सकते हैं कि एक अच्छी जानकारी से भरपूर वीडियो पर व्यूज कम होते हैं, जबकि अतरंगी बातों से भरी BGM के साथ बनाई गई गाली गलौज या बिना सर पैर की वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार से फिल्म भी काम करता है। भारत की तरफ से ऑस्कर सबमिशन वाली फिल्म की बात करें तो मदर इंडिया वो पहली फिल्म थी जिसे इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया और ये बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशन में शामिल भी हो गई। ये एक तरह की कॉमर्शियल फिल्म थी, बट इंडियन कल्चर को गलत तरीके से दिखाने का काम भी करती थी। ये फिल्म 1940 की औरत फिल्म से कॉपीड थी, जो 1927 की एक नॉवल से प्रेरित थी। इनके अलावा भी फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान ने कई फॉरेन फिल्मों से प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया था और फिल्म को ऑस्कर के लिए भेज दिया जाता है। कमाल है ना, 36 फिल्मों से चुराए सीन्स पर बनी फिल्म को ऑस्कर में भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मधुमती फिल्म को भेजा गया, जो ऑफकोर्स सेलेक्ट नहीं हुई। इसके बाद भी बंगाली फिल्म अपूर संसार को, जो सत्यजीत राय की फिल्म थी, उसे भेजा गया। साहिब बीवी और गुलाम, फिर गाइड, अगेन एक आर्ट फिल्म, चेतन आनंद की द लास्ट लेटर, श्याम बेनेगल की मंथन, शतरंज के खिलाड़ी, सलाम बॉम्बे, गरम हवा, अर्थ 1947, हे राम, मराठी फिल्म कोट। तो इस तरह की आर्टिस्टिक फिल्मों को ऑस्कर के लिए हमारे यहाँ से ऑफिशियल एंट्री मिलती रही। नतीजा आप देख ही रहे हैं, 55 बार फिल्म भेजने के बाद भी केवल 3 बार नॉमिनेशन, सिर्फ 3 नॉमिनेशन। ऑस्कर जीतना तो दूर की बात है। इस साल हमारे देश से गुजराती फिल्म को ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। फिल्म का नाम है छल्लो शो, यानी द लास्ट शो। फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि एक तो ये आर्टिस्टिक फिल्म लगती है, जब एक छोटा बच्चा प्रोजेक्शन हाउस में बैठकर कई फिल्में देख डालता है। गरीब सी कहानी लगती है, गरीबी दिखाना हमारे यहाँ जरूरी रहता है। आप मिस्टर सिंघानिया वाली फिल्मों को ऑस्कर में नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे यहाँ के जूरी मेंबर्स और लोगों को लगता है कि भारत देश को फिल्मों में अमीर दिखाएंगे तो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी फिल्मों को ही भेजो जैसा बाहर के लोग देश के बारे में सुनते पढ़ते आए हैं। तो छल्लो शो गरीब बच्चे की फिल्म है, गरीब सिनेमा की कहानी को दर्शाती है और आर्ट फिल्म के रूप में बनाई गई है, तो इसी मापदंड के अनुसार हमारे यहाँ फिल्मों को ऑस्कर के लिए चुना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही होता है? जी नहीं, हद तो तब हो जाती है जब कॉपीड फिल्मों को भी बिना जांचे परखे अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में युद्ध में छोड़ दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड लेवल के अवार्ड में अपनी फिल्म भेजते हैं तो इट मींस वो आपकी उस साल की बेस्ट फिल्म है, और ऐसे में हमारे यहां से भेजी जाती है छल्लो शो जैसी फिल्में, क्योंकि ये फिल्में दिमाग पर जोर डालती हैं। आसानी से सीधी कहानी नहीं दिखाई जाती या एंटरटेनिंग नहीं होती। आर्ट फिल्म को तो हमारे यहां वैसे ही महान फिल्म का दर्जा मिला हुआ है। सबको लगता है कि आर्ट फिल्म देखने वाले लोग बहुत समझदार होते हैं, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन दिखावे के लिए आर्ट सिनेमा प्रेमी होना और आर्ट सिनेमा की असल समझ होने में जमीन आसमान का अंतर है। यह भी जरूरी नहीं कि हर आर्ट फिल्म बेहतरीन ही हो। गुजराती फिल्म छल्लो शो दरअसल 1988 की इटालियन फिल्म सिनेमा पैराडाइसो की कॉपी है, और एक कॉपीड फिल्म पर आर्टिस्टिक की मोहर लगाकर इसे भेजा जाता है ऑस्कर की रेस में। क्यों आज भी ऐसा सोचा जाता है कि हमारे देश में उच्च कोटि की फिल्म नहीं बनती है, या जो कॉमर्शियल फिल्में हमारे यहाँ अच्छे लेवल पर बनाई जाती है वो ऑस्कर में जाने लायक नहीं है? क्यों RRR जैसी ग्रैंड रेंज में बनी फिल्म को ऑस्कर में नहीं भेजा जाता, जहां हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के धर्म, हमारे यहाँ के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाने का कार्य किया गया? अगर ये भी नहीं तो द कश्मीर फाइल्स जैसी मार्मिक फिल्म, जो इतिहास के उन पन्नों को झंझोड़ती है जिसे आज तक छुपाया जाता रहा है, उस सब्जेक्ट पर बनी फिल्म जो टेक्निकली भी बेहतरीन है, उसे क्यों ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जाता? क्यों हमारी मानसिकता ऐसी है कि लो बजट, गंदे कपड़ों वाला हीरो,
झाड़ी, नाले, झोपड़ी और स्लम में बनी फिल्में ही ऑस्कर के लिए सही है। स्लम डॉग मिलीनियर के तौर पर कुछ अवार्ड्स हाथ लग गए इसलिए, लेकिन वो फिल्म हमारे पूरे भारत को नहीं दर्शाती। बर्फी जैसी फिल्म जिसके सीन्स डिट्टो कॉपीड हैं, उसे ये लोग ऑस्कर के लिए भेजते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। 2 रुपए की फिल्मों पर आर्ट का चोला उड़ाकर उसे महान फिल्म बनाकर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। यहां अक्सर उन फिल्मों को प्रेफरेंस दी जाती है जो फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीतकर आ गई हों, और उन फिल्म फेस्टिवल में अगेन केवल वैसी ही फिल्में भेजी जाती हैं जैसी मानसिकता मैंने अभी आपको बताई, यानी दबी, कुचली, मैली और आर्ट फॉर्म वाली फिल्में। तो देखो, वैसे भी ऑस्कर तो मिल नहीं रही किसी फिल्म को, 65 सालों में 55 फिल्मों को भेज के देख चुके हैं, आज तक एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला। तो क्यों ना थोड़ा कंसेप्ट बदल कर देख लो भाई, हमारे यहां भी महंगी फिल्में बनती हैं। RRR जैसी फिल्म को शायद ना भेजने का रीजन होगा कि ये थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी होगी जूरी मेंबर्स को, ठीक है मान लिया, बट जिस समय की ये फिल्म दिखाई गई है उस समय में रियल में इतने पावरफुल योद्धा हुआ करते थे। और इसे भी छोड़ो, अगर हमने रियलिटी से अलग तरह की फिल्में बनाने का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, यानी हम एंटरटेनमेंट के लिए चाहते हैं कि एक हीरो 4 लोगों को अकेले पिटाई कर दे जिसे लोग इंजॉय करते हैं, तो इसमें गलत क्या है। हम उसी को अपना सिनेमा मानकर उसे ऑस्कर के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। द कश्मीर फाइल्स में तो ये भी नहीं था ना, वो तो सच्ची घटना पर बनी एक फिल्म थी जिसमें प्रूफ के साथ हर घटना को दिखाया गया बिना कुछ एक्स्ट्रा या लार्जर देन लाइफ दिखाए। टेक्निकली भी ये फिल्म बॉलीवुड की अनगिनत फिल्मों से ज्यादा बेहतर थी। डायरेक्शन अच्छा था, सब्जेक्ट अच्छा था, एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब थी। अगर ये फिल्म भी ऑस्कर के लिए नहीं भेजी गई तो इट मीन्स प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी फिल्में ऑस्कर क्यों नहीं ला पाती, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां से सही फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी ही नहीं जाती। हैव ए नाइस डे।